आज क्या प्रदीप जी मिश्रा इनका क्या प्रतिक्रिया? आज महाकाली माता के आशीर्वाद से और गौ माता के आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पे शिव महापुराण की कथा में आए हुए थे। और आप आज जो पहला दिन है शिव महापुराण कथा का, वो जो प्रदीप जी मिश्रा जी ने सभी को जो कुछ बोला हुआ है वो बहुत अच्छा बोला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा भजन का काम होना चाहिए। शिव भगवान की जो उन्होंने आज जो राह बताया सभी भक्तों लोगों को, तो उस माता के आशीर्वाद से यह मेरे भी ये निवेदन है। ऑनलाइन अगर प्रदीप जी मिश्रा जी देख रहे होंगे और मैं मेरे सभी चैनलों को अभी जो मैं बाइट दे रहा हूँ, इनको भी मैं कसम देता हूँ कि हम प्रदीप जी मिश्रा जी से ये विनती करेंगे कि जब भी कथा चालू होती है हर जगह पे, अमरावती शहर में भी और हर जगह पे भी, मंगलाचरण करके पहले गौ माता का 10 मिनट गौ माता के विषय में बोले जाए कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, गौ माता की तस्करी बंद होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, अमरावती शहर में, और गौ माता हमारी राष्ट्र होना चाहिए। क्यों कि हम लोग कट्टर हिंदूवादी है। यह सनातनी धर्म का ये कर्म है, जो गौ माता का नहीं वो कोई किसी का नहीं, जो राम का नहीं वो कोई किस काम का नहीं, और जो गौ माता का नहीं है वो तो कोई किस काम का नहीं है। ये मैं श्री महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती की ओर से मैं यह ऐलान कर रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में, पूरे अमरावती वासियों को जय माँ काली। पूज्य परम पूज्य पंडित जी मिश्रा, इनके मधुर वाणी से शिव महापुराण का प्रथम दिवस था, जहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भेंट देकर प्रदीप जी मिश्रा का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर सांसद नवनीत राणा और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रवि राणा, इन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और यहाँ तक आज सांसद नवनीत राणा ने ये कहा कि शिव महापुराण के स्पेंडल के स्थल के ऊपर खुद भोलेनाथ ने शिंदे साहब को बुलाया है और शिंदे साहब ने यहाँ पर आकर आज भोले बाबा का आशीर्वाद लिया है। सांसद नवनीत राणा मंच पर आज थी और एक साथ सबके साथ नारा लगाए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस प्रकार से राणा दंपत्ति को मुंबई के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल हुई थी, यही बयान यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सामने देते हुए सभी का जय श्री राम घोष से पंडाल गूंज उठा। सभी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अमरावती।